Hello guys, welcome to Study with Fascination. This is NSO Olympiad, Class 7, Chapter 5, Physical and Chemical Changes. This is question 11. Kirti kept a metal spoon in a glass jar filled with pickle for a few days. She observed that there were holes in the spoon. What could be the possible reason for this? Kirti ne ek metal spoon li aur usko pickle se bhare huye glass jar ke andar dal diya. कुछ दिनों के बाद उसने ऑब्जर्व किया कि स्पून के अंदर होल्स हो गए हैं. तो आपको बताना है इसका रीज़न क्या है. ऑप्शन ए, ऑयल प्रेजेंट इन पिकल डिजॉल्व द मेटल. ऑप्शन बी, ऑयल प्रेजेंट इन पिकल लिबरेट ए गैस इन विच मेटल गेट्स डिजॉल्व. ऑप्शन सी, मेटल रिएक्ट विद एसिड प्रेजेंट इन पिकल टू फॉर्म सॉल्ट, हेंस मेटल गेट्स डिजॉल्व. ऑप्शन डी, द ग्लास रिएक्ट विद मेटल टू गिव एसिड विच डिजोल्व द मेटल. तो देखिए जो आंसर होगा यहाँ पे वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि आपका मेटल की जो स्पून है वो रिएक्ट करेगी एसिड के साथ जो पिकल में है आपका, और वो क्या देगी, सॉल्ट. तो इससे आपका मेटल जो है वो डिजोल्व हो जाएगा. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी. दिस इज क्वेश्चन 11. विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट दैट ए केमिकल चेंज इज टेकन प्लेस. इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट शो करता है कि ये जो है केमिकल चेंज नहीं है. एक गैस, देखिए एक गैस इज़ प्रोड्यूस्ड, ये आपका केमिकल चेंज है क्योंकि नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है. प्रेसिपिटेट इज़ फॉर्म्ड, ये भी आपका केमिकल चेंज है. स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेस, ये आपका फिजिकल चेंज है. ए न्यू ऑर्डर इज़ प्रोड्यूस्ड, ये आपका केमिकल चेंज है. शेप ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेस, तो ये आपका फिजिकल चेंज है. तो जो हमारा आंसर होगा कि कौन सा है जो केमिकल चेंजेस रिप्रेजेंट नहीं करता, वो है आपका थर्ड एंड फिफ्थ. तो आंसर होगा डी. देखिए अगर किसी सब्सटेंस की स्टेट और शेप चेंज हो रही है तो वो फिजिकल चेंज माना जाता है. तो इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी. दिस इज क्वेश्चन 13. ऑब्जर्व द गिवन रिएक्शन केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक बाई चूजिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शंस. तो क्या है कि आपको ये रिएक्शन जो है वो केयरफुली ऑब्जर्व करनी है और फिल इन द ब्लैंक्स को जो है फिल करना है. ओके तो देखो क्या होता है ना, आयरन और कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है आपका, और ये हमें क्या, आयरन और कॉपर सल्फेट रिएक्ट करके हमें देते हैं फेरस सल्फेट और कॉपर. ये हमें ग्रीन कलर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है. तो आपको बताना बिफोर रिएक्शन आयरन इज फर्स्ट इन द कलर एंड सॉल्यूशन इज सेकेंड इन कलर. आफ्टर रिएक्शन आयरन गेट्स डैश डिपॉजिट एंड द सॉल्यूशन बिकम फोर्थ इन कलर. तो देखिए रिएक्शन करने से पहले हमारे आयरन जो थी वो यहाँ पे ग्रे या रेड. अब देखिए आयरन आपकी कैसी होती है, ग्रे कलर की होती है, राइट. तो ग्रे इन द कलर एंड सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन अभी मैंने आपको बताया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है आपका ब्लू, राइट. तो यहाँ पे ये होगा, रिएक्शन करने के बाद आयरन जो है वो डिपॉजिट हो जाता है. तो ये क्या देगा, ये कौन सा कलर देगा, ये कलर देगा आपको ब्राउन कलर और सॉल्यूशन बिकम ग्रीन हो जाएगा सॉल्यूशन, ये मैंने आपको बताया. तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी. और ये क्वेश्चन जो है वो हमने फर्स्ट पार्ट में हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं. दिस इज क्वेश्चन 14. ऑब्जर्व द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप केयरफुली. तो ये है आपका एक्सपेरिमेंट. देखिए पी क्यू और आर तीन टेस्ट ट्यूब ली गई है. आपको बताना है विच टेस्ट ट्यूब रस्टिंग ऑफ आयरन नेल्स विल नॉट टेक प्लेस. किसमें जो है आपकी आयरन को रस्ट नहीं लगेगा. तो देखिए पी में क्या है, ऑयल है और बॉइल्ड वाटर है. क्यू में है सोडा लाइम और थर्ड में है टैप वाटर. तो सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि रस्टिंग के लिए क्या क्या होना ज़रूरी होता है, ऑक्सीजन और मॉइस्ट एनवायरमेंट, राइट. तो देखिए और वाटर, तो देखिए क्या होगा, जो पी है आपकी पी में क्या होगा, टेस्ट ट्यूब पी के अंदर आयरन नेल जो होगी उसको रस्ट नहीं लगेगा क्योंकि उसमें क्या है, बॉइल्ड वाटर है आपका. बॉइल्ड वाटर के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता आपका. तो और जो ये थिन लेयर है ऑयल की, ये भी इसको प्रिवेंट करेगी रस्ट से बचाने के लिए. अगर बात करें क्यू की, तो क्यू में आपका क्या होगा, टेस्ट ट्यूब क्यू के अंदर आयरन नेल जो है वो रस्ट, उस आयरन नेल क्यू के अंदर भी
टेस्ट ट्यूब के अंदर भी आपकी आयरन एल को रस्ट नहीं लगेगा क्योंकि सोडा लाइम वाटर को वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आर की बात करें, आर आर में क्या होगा आपका, आर ये जो आयरन नेल है ये रस्ट होगा क्योंकि वाटर और ऑक्सीजन जो है वो दोनों ही अवेलेबल हैं इसके लिए, इसको ऑक्सीजन भी मिलेगी और वाटर भी मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगी, रस्ट हो जाएगी। तो हमारा आंसर होना चाहिए पी एंड क्यू, यानी कि ऑप्शन ए। दिस इज क्वेश्चन 15। कुणाल टुक फ्यू आयरन टर्निंग एंड मिक्स देम वेल विद सल्फर पाउडर। ही कुड सेपरेट द आयरन टर्निंग विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नेट। ही हीटेड द मिक्सचर फॉर सम टाइम एंड ट्राई टू सेपरेट द आयरन टर्निंग विद द मैग्नेट बट ही कुड नॉट। वाई, आपको इसका रीजन बताना है ऐसा क्यों हुआ। क्या होता है कि कुणाल जो है कुछ आयरन ले लेता है आपका, फिर इसको मिक्स कर देता है सल्फर के साथ, राइट। तो क्या होता है, उसके पास एक मैग्नेट है, वो इसकी हेल्प से मैग्नेट को, वो मैग्नेट की हेल्प से आयरन को सेपरेट कर सकता है। फिर क्या किया उसने, इन दोनों को लिया, मिक्स किया और जो इसका मिक्सचर था उसको हीट किया कुछ टाइम के लिए और फिर कोशिश की मैग्नेट के साथ, राइट, उसको अलग करने की। लेकिन वो क्या है, वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए। अब देखो, जब आयरन और सल्फाइड को मिक्स करेंगे, जब इन दोनों को हम हीट करते हैं ना, तो इसे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, वो आपका बनता है आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड जो है ये एक नया सब्सटेंस बनेगा आपका, और ये जो है हमारा एक केमिकल चेंज है, ये हमारा है एक केमिकल चेंज। तो आपको बताना था, ए देख लेते, ऑन हीटिंग ए केमिकल चेंज टेक प्लेस एंड ए न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, करेक्ट। ऑप्शन बी, ऑन हीटिंग आयरन बिकम नॉन मैग्नेटिक, इट इज़ नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ऑप्शन सी, ऑन हीटिंग ए फिजिकल चेंज टेक प्लेस हैंस आयरन एंड सल्फर गेट्स मिक्सड अप। ऑन हीटिंग आयरन इवेपोरेट एंड ओनली सल्फर इज लेफ्ट बिहाइंड। सो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। दिस इज क्वेश्चन 16। ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेज मार्क्ड एज पी क्यू आर। आपको बताना है पी, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, कि पी क्यू आर यहाँ पे क्या है। तो देखिए, आपने ये देखा होगा स्प्लिंटर, आपने ये देखा होगा स्प्लिंटर बर्निंग विद ए पॉप साउंड, यानी स्प्लिंटर को जब इसके पास लेके आते हैं ना, ये जैसे यहाँ पे क्या है, फायर है, तो इसके पास लेके आते हैं तो यहाँ से एक पॉप साउंड आती है। तो ये हमें क्या बताती है कि यहाँ पे क्या है, H2 गैस, राइट, हाइड्रोजन गैस बर्न होगी एक पॉप साउंड के साथ जब हम बर्निंग स्प्लिंटर को इसके पास में लाएंगे। यानी कि पी यहाँ पे है आपका जिंक और क्यू है यहाँ पे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो ये देंगे हमें जिंक क्लोराइड और H2 गैस। अब अगर हम इनको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, तो ये देगा, और हाइड्रोजन गैस जो है वो हमें पॉप साउंड देगी। तो यहाँ पे ये आपका P हुआ और ये हुआ आपका Q। तो ये है ऑप्शन डी में जिंक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये हुआ आपका हाइड्रोजन। ये P आपका होगा जिंक, Q आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये है, सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। दिस इज क्वेश्चन 17। स्टडी द गिवन वेन डायग्राम केयरफुली, आइडेंटिफाई 1, 2 and 3। तो देखिए, फर्स्ट आपका क्या शो कर रहा है यहाँ पे, कि फर्स्ट जो है फिजिकल चेंज होना चाहिए आपका, सेकंड शो कर रहा है आपका ये आपका केमिकल चेंज होना चाहिए, और थर्ड जो है आपका ये शो कर रहा है कि वो फिजिकल चेंज भी होना चाहिए और वो केमिकल चेंज भी होना चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। मेल्टिंग ऑफ आइस, ग्लोइंग ऑफ बल्ब, स्टिचिंग ऑफ गारमेंट एंड मेल्टिंग ऑफ आइस। सो देखिए, स्टिचिंग ऑफ गारमेंट, जब किसी सब्सटेंस की स्टेट या शेप चेंज होती है तो उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो स्टिचिंग ऑफ गारमेंट हो गया आपका फिजिकल चेंज, बर्निंग ऑफ ए मैच स्टिक ये आपका केमिकल चेंज, एंड बर्निंग ऑफ ए कैंडल जो है, इन सभी में से बर्निंग ऑफ कैंडल जो है आपका वो है केमिकल चेंज भी और फिजिकल चेंज भी, इसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे वो होगा सी। दिस इज क्वेश्चन 18। रूपाली क्लासीफाई ए फ्यू चेंजेस अकरिंग अराउंड अस एज शोन इन टेबल। ये आपको टेबल दी गई है, इसमें कुछ चेंजेस है, आपको बताना है विच ऑफ हर ऑब्जर्वेशन आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा इनमें से, ठीक है। ग्राइंडिंग ऑफ वीट, तो देखिए ग्राइंडिंग ऑफ वीट जो है ये आपका केमिकल चेंज नहीं है, ये आपका फिजिकल चेंज है, तो ये आपका इनकरेक्ट हुआ। सेकंड देखिए, ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर, ये आपका एक केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज नहीं है, रिवर्सिबल चेंज भी नहीं है, सो ये करेक्ट है आपका। थर्ड देखिए, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड,
ये आपका केमिकल चेंज नहीं है, ये आपका फिजिकल चेंज है, बट रिवर्सिबल चेंज है, यानी कि वाटर जो है आपके इवेपोरेट होके वेपर देते हैं, जिससे क्या बनता है, इवेपोरेशन से क्या क्या बनेगा यहाँ पे, क्लाउड, और कंडेंसेशन से दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो जाता है फिर। तो ये भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है फोर्थ, जर्मिनेशन ऑफ सीड। ये जो है आपका जर्मिनेशन ऑफ सीड जो आपका केमिकल चेंज है, बट ये आपका फिजिकल चेंज नहीं है, रिवर्सिबल चेंज भी नहीं है ये आपका, तो ये भी जो होगा वो रॉन्ग होगा, इनकरेक्ट है। ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स, ये एक फिजिकल चेंज है, बट ये एक रिवर्सिबल चेंज भी है, क्योंकि हम दोबारा से जो है क्लॉथ्स को, अगर मान लो ड्राई क्लॉथ्स हैं तो उसको वेट कर सकते हैं, और वेट क्लॉथ्स है तो उसको दोबारा से ड्राई कर सकते हैं, तो ये आपका रिवर्सिबल चेंज हुआ। तो ये वाली बी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन सी, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। दिस इज क्वेश्चन 19। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। स्टेटमेंट फर्स्ट आपको कहता है कि मैनी कट फ्रूट्स व्हेन कैप्ट इन ओपन टर्न ब्राउन। अगर आप बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको आप कट करते हो और ओपन रख देते हो, तो वो ब्राउन हो जाते हैं आपके। स्टेटमेंट सेकंड आपका कहता है ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट इज ड्यू टू ए केमिकल रिएक्शन। सो ये भी आपकी करेक्ट है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। ऑप्शन सी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। सो जो हमारा आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ट्रू है, और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट फर्स्ट की। दिस इज क्वेश्चन 20। ड्यूरिंग द साइंस एक्टिविटी मिस प्रभा डेमोन्स्ट्रेटेड एंड एक्सपेरिमेंट इन फॉलोइंग स्टेप्स। मिस प्रभा जो है साइंस एक्टिविटी करती हैं और एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करती हैं। वो पहले स्टेप में वो क्या करती हैं, सी बर्न ए सब्सटेंस एक्स ओवर द कैंडल फ्लेम एंड वाइट डेजलिंग लाइट वॉज ऑब्जर्व, ऑल्सो वाइट पाउडरी एश वॉज लेफ्ट बिहाइंड। ओके, तो स्टेप फर्स्ट में वो क्या करती हैं, वो कोई सब्सटेंस है एक्स, उसको बर्न करती हैं कैंडल फ्लेम से, तो क्या होता है वाइट डेजलिंग लाइट ऑब्जर्व होती है, और फिर उसके बाद वो जो है उसके बाद क्या है वाइट पाउडरी ऐश जो है वो बच जाती है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सी मिक्स द वाइट ऐश को वो पानी से मिक्स कर देती है, देन शी डिप्ड रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर इन टू द सोल्यूशन वन बाय वन। फिर वो क्या करती है, रेड और ब्लू लिटमस पेपर के अंदर वन बाय वन सोल्यूशन को पेपर को डिप करती है। तो आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग तो आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर करेक्ट। कौन सी ऑब्जर्वेशन जो है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट आपको बोल रहा है सब्सटेंस बर्न इन स्टेप फर्स्ट वॉज मैग्नीशियम, कि जो सब्सटेंस बर्न किया था फर्स्ट स्टेप में वो आपका मैग्नीशियम था, यानी ये जो सब्सटेंस एक्स है ये आपका मैग्नीशियम है, और वाइट ऐश फॉर्म्ड इन द स्टेप फर्स्ट वॉज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये दोनों आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखिए, सॉल्यूशन फॉर्म्ड इन स्टेप सेकेंड वॉज एसिडिक इन नेचर। सो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है ये आपका क्या होगा, बेसिक होगा नेचर में। द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इन स्टेप सेकंड टर्न ब्लू लिटमस रेड। सो ये भी आपका एसिडिक की शो हो रहा है, तो ये भी, लेकिन ये है कि ये किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है। तो करेक्ट बताना था कौन सी है आपकी ऑब्जर्वेशन, तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो हमारी करेक्ट हैं। तो आंसर आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकंड होगी हमारी करेक्ट।